चुनाव क्षेत्र वैजनाथ के कार्यालय में बैठक का आयोजन अनुसूचित जनजाति प्रदेश सचिव सूरत नेगी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि इस चुनाव क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लगभग 12,000 वोटर हैं तथा इन मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए उनके घर द्वार काम करने के लिए चर्चा की गई। मंडल अध्यक्ष कर्ण जम्वाल ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है तथा बैजनाथ से ही भाजपा का प्रत्याशी जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचेगा। उन्होंने क्षेत्र के विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में विकास का ढिंढोरा पीट रहे वो केवल मात्र झूठ हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही ठप पड़े विकास कार्यों को किया जाएगा। करण जम्वाल ने कहा कि बैजनाथ को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा दिया जाएगा। सभा क्षेत्र बैजनाथ कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। हम हर बूथ पे जाके भारी संख्या में लोगों का जनसैलाब देखने से ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनेगी। बैजनाथ का विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में ये जो कांग्रेस का राज रहा, विधायक ने कोई भी यहाँ ऐसे कोई विकास कार्य नहीं कराए। लोग पानी के लिए परेशान हैं, सड़कों की हालत बहुत दयनीय थी, अस्पतालों में हॉस्पिटल तो हैं लेकिन स्टाफ नहीं है, बहुत सारी समस्याएं, लोग बहुत परेशान थे। लेकिन जो लोगों में उत्साह है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ साथ मुल्क राज प्रेमी भी बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र से जीत के शिमला जाएंगे। पिछले 5 वर्षों में ये विधायक महोदय ने जगह जगह घोषणाएं की थी, वहाँ लोगों को पैसा नहीं मिला, इससे लोग बहुत रुष्ट हैं। तो निश्चित तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार आएगी, हम लोगों के सारे जितनी भी परेशानियाँ हैं उनके बारे में सोचेंगे और विकास कार्य विशेष करके बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में टूरिज्म की दृष्टि से जो पिछड़ा रहा ये क्षेत्र, उसको हम प्रायोरिटी बेसिस पे पूरा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।